Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. This is the new lecture of the solution of grammar test, which are being conducted, and different occasions these tests are taken, and the solution and discussion of the test has been recorded for your convenience, so that you may understand the concepts whenever you want to consult them. Let's see, you have just passed the sequence of the test will be like that. Okay, you have to pass the slide so that you may solve it your own and then move to the next. And to solve all these questions, this is a very sequential and very systematic way. Just find out what is the difference between all the statements, and whatever the difference is, आप फिर उनको evaluate कीजिएगा कि उनमें से difference कौन है चारों में से, और उन्हीं difference को आपने address करना है. Let's see जी, first of all move to the first solution. Now write जो होता है वो अब दो तरह के verb इस्तेमाल करते हैं, very right, quite right और so right. So हम as intensifier इस्तेमाल करते हैं, we use it as intensifier, और ये तभी इस्तेमाल करते हैं जब आगे सिचुएशन को एक्सप्लेन किया गया, यानी उसको इंटेंसिफिकेशन आगे बताई गई. और वेरी और क्वाइट का इस्तेमाल करते हैं, वेरी जो है वो जो एब्सोल्यूट हम इस्तेमाल करते हैं जब एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे राइट है तो वो कंप्लीटली दोनों वेक एंड पे है, यानी कि एक्सट्रीम ये क्वालिटी है. तो जब हमने एक्सट्रीम एडजेक्टिव इस्तेमाल करना होता है तो तब हम उसके साथ क्वाइट का इस्तेमाल करते हैं. वेरी राइट नहीं, क्या होगा वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है क्वाइट राइट. उसके बाद है यहां पे देखिएगा, ही हैड मेड अ मिस्टेक, आई जस्ट हिम. अब यहां पे देखिएगा डिफरेंस ऑफ पॉइंट कहां पे आ रहा है आपका, हाउ के साथ दैट है, और दूसरा इसकी अरेंजमेंट है, हाउ हैड ही है या ही हैड. तो याद रखिएगा जब भी हमने इंट्रोगेटिव क्लॉज को या इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किसी क्लॉज का हिस्सा बना देते हैं, वैसे हम लिखेंगे तो हाउ हैड ही मेड अ मिस्टेक, ये सेंटेंस सही है, इससे बाहर निकालेंगे सेंटेंस से और इसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा. लेकिन अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी क्लॉज का हिस्सा बन जाता है तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है. दो चीजें याद रखनी है, एक दैट नहीं आएगा डब्ल्यू एच फैमिली के किसी भी जो ना वो इंट्रोगेटिव क्लॉज में, दैट नहीं आएगा एक. दूसरा पॉइंट ये है कि जब आपने इस्तेमाल करना है तो ये क्लॉज के तौर पे इस्तेमाल होगा, तो हमारा जो अरेंजमेंट होगा वो असर्टिव अरेंजमेंट होगा, यानी सब्जेक्ट पहले आएगा. इंट्रोगेटिव में वो पहले आता है, यानी हेल्पिंग वो पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में आता है. लेकिन जब असर्टिव अरेंजमेंट हम में लिखते हैं तो सब्जेक्ट पहले आएगा, वो बाद में चला जाएगा. अब यहाँ पे देखिएगा सब्जेक्ट पहले आ गया वो बाद में, तो ये कितने ऑप्शंस में है, यहाँ पे दैट है तो दैट नहीं आएगा, और क्या होगा यहाँ पे ये है ऑप्शन है ही हैड मेड अ मिस्टेक होगा. और अगेन यूनिवर्सल है, ये भी एक्सट्रीम एडजेक्टिव है, यूनिवर्सल जाहिर है होता है जो पूरी दुनिया के साथ रिलेटेड हो, तो इसका मतलब पहले ही इसके अंदर सुप्रीम कंपेरिजन है या सुपरलेटिव कंपेरिजन है. तो ऐसी सूरत में हम इसके साथ कोई भी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसके साथ क्या होगा द यूनिवर्सल एग्जांपल. अब यहाँ पे देखिएगा जिस दो के साथ तो मोस्ट है, ये तो नहीं लग सकता, फिर सी और डी में ऑप्शन हो सकता है, तो द यूनिवर्सल क्यों लगाएंगे, क्योंकि क्या होगा द यूनिवर्सल एग्जाम्पल ऑफ द ग्रीड एंड सेल्फिशनेस है, तो क्या होगा द स्पेसिफिक हो जाएगी. उसके बाद हाउ ही कुड टैकल, यहाँ पे भी डिफरेंस पॉइंट का पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखने हैं, ये क्लॉज का स्ट्रक्चर नहीं है, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है. हाउ कुड ही टैकल, जब सब्जेक्ट बाद में आ जाए हेल्पिंग वो पहले हो तो इसका मतलब ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है. अब चूंकि ये कहाँ पे यूज हो रहा है एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, वाज अननोन क्या है, ये पूरी की पूरी क्लॉज है वाज अननोन. तो जब हमारी क्लॉज क्या होती है वो क्लॉज की जगह पे आ जाती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो उसका अरेंजमेंट चेंज हो जाता है, ही कुड टैकल हो जाएगा, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा और बाद में चला जाएगा. और क्योंकि ये क्या है, ये एक सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए
वो क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा, कुड पहले नहीं आएगा, कुड बाद में इस्तेमाल करेंगे। और ही गॉट यूज टू, अब यहां पे देखिएगा, गॉट यूज टू हम इस्तेमाल करते हैं तो ये आदि होने के मीनिंग में। गेट का मतलब होता है हासिल करना भी होता है जब एक्शन हो, लेकिन जब टू बी वर्ब यानी होने का मीनिंग दे तो इसका मतलब इसके बाद आदि लगाना है, और जब आदि लगाना है तो ये एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव में टू फिक्स्ड होता है यूज टू के साथ, ये इकट्ठा मीनिंग देता है यूज टू, फिर उसके बाद फोर्थ फॉर्म लगानी। अगर ये एज एक्शन होता है यूज टू तो फिर क्या होगा, ही यूज टू हेल्प होगा, वो किया करता था, ऐसा एक्शन जो पहले होता था अब नहीं होता था, अब इस्तेमाल करते हैं इसका। अगेन दिस पास सॉल्व एंड देन मूव ऑन। इसमें देखिएगा, यू शुड हैव सक्सीडेड। अब यहां पे जब मॉडल ऑक्सिलरी जितने भी हैं उनके साथ अगर हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये पास्ट टेंस बन जाता है। जैसे फर्ज करो मैं कहना हो कि आप यू शुड स्टडी, इसका मतलब आपको पढ़ना चाहिए, तो आपको अभी पढ़ना है या पढ़ना चाहिए था, अभी पढ़ना है तो इसका मतलब फ्यूचर आ गया। यू शुड हैव स्टडीड, ये हमने पास्ट को इंडिकेट करने के लिए कहते हैं, तो क्या होगा, ये पास्ट के लिए होता है। तो जब ये पास्ट में है तो इफ वाली क्लॉज भी पास्ट में होगी, और चूंकि वो कंसिस्टेंट नहीं था, वो इमेजिन कर रहा है, तो जब हम सब्जेक्टिव चीजों अनरियल चीजों को इमेजिन करते हैं तो हम वर लगाते हैं, इफ ही वर होगा। शुड के साथ अब यहाँ पे सिमिलर हैज के इस्तेमाल किया गया है, शुड के साथ हैव लगेगा, हैज इस्तेमाल नहीं होता, हैज अकेला है जी, किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाए तो हैव ही लगेगा, लेकिन जब अकेला सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे तो डेफिनेटली हैज लगेगा, यानी हैज को यहाँ पे लगाना हो तो फिर ही हैज होगा। द स्टूडेंट्स ऑफ द व्यूजन कॉलेज, यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हैं, हैड टू गेट द ग्रामर, अब हैड टू गेट द ग्रामर, ग्रामर को लर्न करना है, ये लर्न किया जाना है। अब ग्रामर जरा लर्न का देखिएगा, सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, तो जब ऑब्जेक्ट हो तो हम पॉजिटिव वर्ब में, गेट वाला पॉजिटिव वर्ब है, ये गेट कॉज कर रहा है लर्न का, तो ऐसी सूरत में हम इसके बाद क्या यूज करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं। अगर यहाँ पे एक्शन करने वाला होता तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगानी थी। अब यहाँ पे हॉलो के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, हॉलो एडजेक्टिव है क्योंकि शेप के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, शेप के मीनिंग में इजाफा करे तो ये शेप नाउन है तो ये एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव का क्वालिफायर एडवर्ब होना चाहिए, तो अभी जाहिर है कंप्लीटेड और कंप्लीट नहीं हो सकते, कंप्लीट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं कर सकता, कंप्लीटेड वर्ब है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं कर सकता, कंप्लीटली तो एडवर्ब है, तो फिर ये दोनों में क्या फर्क है, वॉज हॉरिफिकली और वॉज हॉरिफिक, तो टू बी वर्ब के बाद भी हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा, हॉरिफिक आ जाएगा। इसके बाद ही डिडंट वर्क हार्ड एनफ, हार्ड एनफ, एनफ का जो एडवर्ब होता है वैसे एडवर्ब को हम एडजेक्टिव से पहले लगाते हैं के, लेकिन जो एनफ का एडवर्ब होता है इसका हम बिहेवियर जो है वो डिफरेंट होता है। कैसे, एनफ को हम कहाँ पे यूज करते हैं वो बाद में इस्तेमाल करते हैं, यानी वैसे तो हम एडवर्ब को हम कहाँ पे यूज करते हैं, एडजेक्टिव से पहले लगाते हैं, लेकिन एनफ के एडवर्ब को हम कहाँ यूज करते हैं वो बाद में इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, एनफ हार्ड एनफ, हार्ड एनफली, एनफ नहीं होता, एनफ क्या होगा एडवर्ब है, एनफली एडवर्ब नहीं है तो हार्ड एनफ हो जाएगा, एनफ हार्ड नहीं होगा, तो हार्ड एनफ के पास आपका एक ही ऑप्शन है। गॉर्जिस वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस एंड ही वॉन्टेड टू प्रूव हिज पेरेंट्स रॉन्ग, अब प्रूव क्या होगा, रॉन्ग हिज पेरेंट्स नहीं होगा, प्रूव हिज पेरेंट्स रॉन्ग, ये कुछ वर्ब हैं जिनके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं और उसके बाद एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, प्रूव हिज पेरेंट्स रॉन्ग, यानी पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे फिर हम क्या यूज करेंगे, एडजेक्टिव लगाएंगे, ये कुछ ऐसे वर्ब आएंगे इनके साथ हमने, ये एब्सर्ड हो जाता है अगर प्रूव रॉन्ग हिज पेरेंट्स, ये रॉन्ग हो जाएगा, इनके बाद पहले आपने ऑब्जेक्ट लगाएंगे और फिर एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे। एक और एग्जांपल भी आएंगे, जैसे जिस देखिएगा इन द सॉल्यूशन स्लाइड, हिज परफॉर्मेंस मेड मी हैप्पी होगा, पहले मी आएगा फिर एडजेक्टिव लगाया, तो मेड के साथ भी यही केस होगा, ये नहीं होगा मेड हैप्पी मी, टू मी नहीं होगा, या मेड हैप्पी मी नहीं हो सकता। इसी तरह से कंसीडर हिम इन इन इनोसेंट, यहाँ पे भी कंसीडर के बाद क्या लगाना, ऑब्जेक्ट लगाना, और उसके बाद हमने एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना, कंसीडर हिम इनोसेंटली नहीं होगा, कंसीडर हिम इनोसेंट होगा, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद हमने एडजेक्टिव लगाना।
इसी तरह से क्या होगा, मेड है मेलनकोलिक, अब मेलनकोली नाउन है, मेलनकोली कली जो है वो एडवर्ब है और मेलनकोलिक जो है वो एडजेक्टिव है। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे मेलनकोलिक है तो टू हेमनी होगा, ये वही है मेड के बाद हमने क्या यूज करना है, ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। अब यहां पे ही डिडंट लिसन, तो जब दो एक्शन एट द सेम टाइम हो रहे हो तो वहां पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एडवर्ब इस्तेमाल करते हैं, ये टाइम को भी शो करता है या क्या होगा उसकी स्टेट को शो कर सकता है, क्योंकि लिसन भी कर रहा है साथ में डूइंग अ ड्यूटी और ऑपरेटिंग भी कर रहा है। तो अब चूंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन है एंड के साथ, तो इसका मतलब आपका पहला पार्टिसिपल है तो अगला भी पार्टिसिपल होना चाहिए, पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो अगला भी प्रेजेंट पार्टिसिपल होना चाहिए। तो यहाँ पे दो ऑप्शन में है, ये डूइंग है, लेकिन इस डूइंग में ये है कि समवन, जब हम नेगेटिव सेंटेंस लगाते हैं तो समवन लिखेंगे, क्या यूज करेंगे, एनीवन इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वाला देखिएगा, द मैन ऑफ लेटर्स हु इज कंपोजिंग अ पैक ऑफ पोएट्स लव्स फैंसी वर्ड। अब ये टेक कौन कर रहा है, मैन ऑफ लेटर्स, तो ये कंटिन्यूटी को शो कर रहा है, मैन ऑफ लेटर इसका सब्जेक्ट है टेक का, तो हम क्या यूज करेंगे, टेकिंग इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये उसको क्या कर रहा है, शो कर रहा है। इसी तरह से हार्नेस मैन बिलोंगिंग टू हिज हॉर्स फार्म वर्क्स फ्रॉम डाउन टू डस्क एनरेज्ड विद द लेटेस्ट फैसिलिटीज एंड एटमॉस्फेरिक सराउंडिंग्स। आप जरा देखिएगा, एनरिच विद लेटेस्ट फैसिलिटीज एंड एटमॉस्फेरिक सेरेनिटी, ये किसके मीनिंग में दाखिल कर रहा है, हार्नेस मैन बिलोंगिंग टू हिज हॉर्स फार्म। अब यहां पे एनरिच विद लेटेस्ट फैसिलिटी किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, फार्म, तो इसका मतलब इस एडजेक्टिव को डस्क के मीनिंग में इजाफा नहीं कर रहा, यहां पे डस्क के साथ लगा हुआ है तो इसका मतलब ये डस्क का एडजेक्टिव है या डस्क की एडजेक्टिव फ्रेज है, ये नहीं होगा, ये किसके मीनिंग में, फार्म, तो इसको फार्म के साथ इस्तेमाल करें या यहां पे कॉमा लगा देंगे तो ये अंडरस्टूड होगा कि पिछले नाउन के साथ ज्यादा सूटेबल है कि उसको हम उस नाउन के साथ लगाएं जिसके मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं। Enthralling the fascinating audience by the performers. आप performance of actor से audience fascinate कर रहे हैं या fascinate हुए हैं? हुए हैं तो fascinated हो जाएगा, क्योंकि fascinating जो है ना present participle हम action के लिए use करते हैं जब काम करने वाला मौजूद है, और जब काम हुआ हो तो फिर हम past participle इस्तेमाल करते हैं, fascinating, fascinated होगा जब हमने हुआ है उसको। The pack of hounds अब in various directions से और देर का इंडिकेट कर रहा है, तो इसका मतलब है ये पैक जो है चूंकि कलेक्टिव नाउन होता है तो ये मल्टीपल चीजों को भी शो करता है, सिंगल को भी शो करता है, वैसे पैक ऑफ हाउंड्स होता है इज मूविंग होना था, लेकिन चूंकि अब डिसएग्रीमेंट पाया जाता है वेरियस डायरेक्शन को शो कर रहा है, इसका मतलब कुत्तों की बात हो रही है तो फिर क्या होगा, वर रनिंग हो जाएगा। द हीरो ऑफ द फिल्म फाउंड एन असलीप वुमन। अब असलीप का जो एडवर्ब है ये प्रेडिकेटिव जो फंक्शन में इस्तेमाल होता है, यानी हमेशा क्या होगा एज अ कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको कभी भी नाउन से पहले इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो फाउंड आ स्लीपिंग वुमन यूज कर सकते हैं, स्लीप नहीं होगा। अब एनएफ का जो हमें अभी हमने कहा, एनएफ का एडजेक्टिव भी होता है और एनएफ का फंक्शन एडवर्ब भी होता है, जब ये नाउन के मीनिंग में इजाफा करे तो ये एडजेक्टिव है, तो चूंकि ये मनी के मीनिंग में इजाफा करे तो एनएफ मनी हो जाएगा, मनी एनफ नहीं होगा, एनफ मनी होगा, क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव है एंड मनी के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, ये डबल फंक्शन होता है, एडजेक्टिव भी हो रहा है एडवर्ब। आई के इमरान खान क्लेम्स टू हैव अ न्यू आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब यहाँ पे क्लेम्स के साथ क्या यूज करते हैं, इन्फिनिटिव इस्तेमाल करते हैं, क्लेम्स टू हैव, ये कुछ वर्ब के बाद हम जेनरेट इस्तेमाल करते हैं, कुछ के बाद हम इन्फिनिटिव, इट्स there is a need of the practice and this is what you may have the practice of different verbs and with the related use of either infinitive or gerunds dono tarah se istemal karte hain again pass and then move next wala dekhiyega ji punished jab bhi koi sentence passive voice hota hai to passive voice ke baad hum gerund istemal nahi karte infinitive istemal karte तो was punished है तो to leave हो जाए, struggled है उसके साथ भी infinitive use होगा, struggled to understand,
इंसिस्ट के साथ हम प्रपोजिशन लगाते हैं इन ऑन का, इंसिस्ट ऑन। जाहिर है जब ऑन का प्रपोजिशन है तो इसके बाद हम क्या यूज करेंगे, ओपनिंग हो जाएगा। उसके बाद नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नेवर हैड फाइनेंशियल इश्यूज, इट हैज ऑलवेज हैंडल्ड इट मनी परफेक्ट। अब यहां पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखना है कैसे। अब यहां पे डिफरेंस आपने देखना है कहां पे, इट्स मनी परफेक्टली, इट ऑलवेज हैंडल्ड इट्स मनी परफेक्टली, नॉन प्रॉफिट नेवर हैड फाइनेंशियली इश्यूज। अब ये फाइनेंशियली इश्यूज के मीनिंग में इजाफा कर, तो डेफिनेटली जब फाइनेंस इश्यू जो है वो नाउन है, इसका जो क्वालिफायर होना चाहिए वो एडजेक्टिव होना चाहिए, तो क्या होगा, फाइनेंशियल इश्यूज। अब फाइनेंशियल इश्यूज वाले दो हैं, यहां पे क्या होगा, यहां पे भी तो फाइनेंशियल इश्यूज है, लेकिन यहां पे हैंडल्ड मनी है तो परफेक्टली है, ये परफेक्ट है, परफेक्ट एडजेक्टिव है, क्योंकि हैंडल के मीनिंग में इजाफा करें तो परफेक्टली होगा, तो ये भी एडवर्ब होना चाहिए, तो परफेक्टली भी यहां पे कंसीडर होगा। अगेन यू कैन पास एंड देन मूव ऑन। यहां पे देखिएगा, आफ्टर गिविंग इट थॉटफुली कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन नाउन है, नाउन का जो क्वालिफायर होना चाहिए वो एडजेक्टिव होना चाहिए, तो थॉटफुली वाले ऑप्शन नहीं लग सकते। फिर यहां पे थॉटफुल भी है, क्या होगा, कन्वर्सेशन, वी आर अनफॉर्चुनेट नॉट एबल। अब चूंकि एबल के मीनिंग में इजाफा कर, अनफॉर्चुनेटली क्या होगा, नॉट एबल होगा, तो उसके साथ हमने यूज करना है दो तरह से, दो जगहों पे क्या होगा, देयर कैन बी पॉसिबल मिस्टेक। क्वेश्चन अबाउंडेड इन इंक्वायरी इनटू लीगल पेमेंट्स एलिजिबली मेड बाय द कॉलेज टू स्टूडेंट एथलीट्स। आप एलिजिबली मेड के मीनिंग में इजाफा कर, एलेज वर्ब है और क्या होगा, अलेज्ड पार्टिसिपल है, अलेजेस क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस इन्फ्लेक्शन एस की है, और अलेजेडली एडवर्ब है जो मेड के मीनिंग में इजाफा करे, तो जो वर्ब का क्वालिफायर एडवर्ब होना चाहिए तो क्या होगा, अलेजेडली मेड होगा। हॉरिबल कॉमेडियन है, अब कॉमेडियन के मीनिंग में इजाफा कर, तो कॉमेडियन नाउन है तो ये क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए, हॉरिबली एडवर्ब है, तो दो ऑप्शन आपके पास बच के, बी और डी। अब यहां पे देखिएगा, हॉरिबल कॉमेडियन ये भी है, आगे डिफरेंस कहां पे है, मेक एनी वन लॉफ, तो मेक के बाद हम क्या यूज करते हैं, जब सब्जेक्ट मौजूद हो तो फिर फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो पॉजिटिव फॉर्म में हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि एनी वन लॉफ कर रहा है तो फर्स्ट फॉर्म लगानी है, अगर किसी पे काम हो रहा होता तो फिर क्या होगा, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अगेन स्टॉप एंड देन मूव ऑन। क्या होगा अगला सेंटेंस है हमारे पास, गिवन है, तो हैड बिन इनिशियल, क्योंकि अब इनिशियली जो है वो किसके मीनिंग में इजाफा करें, इनिशियली गिवन या इनिशियली हैड बिन है, अब क्योंकि इनिशियली का यहां पे फंक्शन क्या है, वो पूरे वर्ब फ्रेज को क्वालिफाई कर, तो इसलिए हम इसके साथ इसको कहां पे यूज करेंगे, हैड से पहले, इनिशियली हैड बिन गिवन, यानी जब वर्ब को क्वालिफाई कर रहा हो तो फिर क्या यूज करेंगे हम, इसके साथ लगाएंगे। अभी यहां पे सवाल पैदा है, यहां पे क्यों नहीं लगा सकते, अब जाहिर हैड बिन एक तरफ है, गिवन एक तरफ है, यहां पे ये गिवन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है और बीन के मीनिंग में भी इजाफा कर रहा है, तो ये दरमियान में है, अगर शुरू में लगा देंगे तो इसका मतलब पूरी वर्ब फ्रेज के साथ क्वालिफाई कर रहा है। स्पेसिफाइड मैनर्स है, मैनर के मीनिंग में स्पेसिफाइड इजाफा कर रहा है, स्पेसिफाइड एडजेक्टिव है तो एक्सट्रीम क्या होगा, ये भी एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव का क्वालिफायर एडजेक्टिव नहीं हो सकता, एडवर्ब और एक्सट्रीमली। यूनिक जो है वो बजाते खुद क्या होती है, वो सुपरलेटिव मीनिंग रखती है, जो सबसे डिफरेंट होती है कुछ चीज, या डिफरेंट स्टूडेंट है तो मोस्ट यूनिक नहीं होगा, द यूनिक स्टूडेंट होगा। द डिटेक्टिव्स वर कंप्लीटली बैफलिंग बाय द सीरीज ऑफ मर्डर। आप डिटेक्टिव जो है ना बैफलिंग कर रहे हैं या बैफल्ड हुए हैं, अब चूंकि वो बैफल्ड हुए हैं तो क्या होगा, बैफल्ड हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करेंगे जब एक्शन कंप्लीट हो गया है, कंप्लीशन का मीनिंग दे रहा तो पास्ट पार्टिसिपल, अगर एक्शन का मीनिंग दे रहा कंटिन्यूटी का तो फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल।
उसके बाद है डिस्पाइट डिफरेंट अटेम्प्ट्स. अब यहां पे डिफरेंट अटेम्प्ट्स है, काउंटेबल नाउन्स है, तो उसके साथ मच नहीं लगाते, मैंने इस्तेमाल करेंगे. क्वाइट अनप्रिडिक्टेबली, क्वाइट एडवर्ब है तो एडवर्ब के बाद क्या लगाना चाहिए, एडवर्ब हो सकता है या एडजेक्टिव हो सकता है, लेकिन चूंकि यहां पे बी वर्ब लगा हुआ, बी वर्ब के बाद हम क्या यूज करते हैं, एडजेक्टिव लगाते हैं, तो क्या होगा, अनप्रिडिक्टेबल. उस तरह से स्ट्रॉन्गली डिजायर है, डिजायर जो है वो आपका नाउन है, स्ट्रॉन्गली एडवर्ब है, तो नाउन के साथ आप एडवर्ब नहीं लगा सकते, नाउन के साथ एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे, स्ट्रॉन्ग डिजायर. फ्राइटनिंग, ये फ्राइटनिंगली लुकिंग मोटेल, तो फ्राइटनिंग हो जाएगा, लुकिंग मोटेल होगा, क्यों, मैंने अभी तो बताया था एडजेक्टिव का क्वालिफायर एडवर्ब होना चाहिए, तो फ्राइटनिंगली नहीं होना चाहिए, नहीं, क्योंकि फ्राइटनिंग कौन है, मोटेल है, और लुकिंग भी क्या होगा, फ्राइटनिंग लुकिंग हो जाएगा, ये क्या होगा, पूरा कॉम्बिनेशन मिलके जो है ना वो क्या बनाएगा, वो एडजेक्टिव बनाएगा, फ्राइटनिंग लुकिंग क्या होगा, मोटेल होगा, क्योंकि लुकिंग यहां पे होने का मीनिंग दे रहा है, तो यहां पे होने का मीनिंग दे तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, फ्राइटनिंग यानी एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं. फ्यू पीपल विल एवर रिमेंबर टू मेनी डिटेल्स, टू डिटेल है, मैनी क्या होगा, टू मैनी डिटेल्स हो जाएगा, फ्रॉम देयर अर्ली चाइल्डहुड, वो मैनी के साथ जो है ना वो कोऑर्डिनेट नहीं करता, मैनी डिटेल सिंगल इस्तेमाल नहीं होगा. और क्या होगा, पाइग्नेंट इक्वल है, तो इक्वल जो है ये इसका पाइग्नेंट भी, पाइग्नेंट जो है वो एडजेक्टिव है, सीक्वल नाउन है, तो इक्वली पाइग्नेंट हो जाएगा, क्योंकि एडवर्ब के तौर पे फंक्शन एडजेक्टिव के साथ लग रहा है. और टू रिसर्चर है तो साइमल्टेनियसली होगा, क्योंकि डेवलप्ड है, डेवलप्ड जो है ना वर्ब है, तो वर्ब का क्वालिफायर क्या होना चाहिए, एडवर्ब, साइमल्टेनियसली हो जाएगा. उसके बाद है हमने सेंटेंस कंप्लीशन करनी है, यहां पे बैकग्राउंड से आपने मीनिंग समझना है, इस बैकग्राउंड से इस वर्ड का क्या मीनिंग बनता है, और उसमें से फिर आपने अप्रोप्रिएट चॉइस लगानी. सेंटेंसेस में वर्ड के रिलेशनशिप को देखना आपने. अब स्पाइंग प्लॉट है, स्पाइंग प्लॉट है यानी कैसा प्लॉट है, जो क्या होगा, सीक्रेट होगा, हिडन होगा. सो सोफिस्टिकेटेड, इट वॉज इम्पॉसिबल टू बिलीव, इट वॉज वर्क ऑफ टीनेज कंप्यूटर, इतना सोफिस्टिकेटेड है कि बिलीव नहीं होता इससे टीनेजर हैकर जो है ऐसा कर सकता. इसका मतलब कैसा प्लॉट होगा, जो स्पाइंग प्लॉट है वो सिंपल होगा, कॉम्प्लेक्स होगा. अरे कॉम्प्लेक्स चीज है जिसको सोफिस्टिकेटेड किया गया तो उसको यकीन नहीं आ रहा, इसका मतलब वो चीज कॉम्प्लेक्स तो सिंपल नहीं हो सकती. वेपराइज टोटली डिफरेंट है. मिस्टिकल ये सूफियाना को कहते हैं, तो क्या होगा, बेजेंटाइन जो है जिसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स. जेलीफिश नोन फॉर इट्स शिमरिंग, जेलीफिश है और शिमरिंग हो रही है. वन ऑफ द नेचर मोस्ट इंट्रीगिंग क्रिएचर. अब शिमरिंग क्या कर रही है, शिमरिंग का मतलब होता है जो रोशनी को मुनाकिस करती है, तो ट्रांसलूसेंस होगा, जैसे हमें रोशनी नजर आती है. तो स्प्लेंडर, मोरालिटी, ये टोटली डिफरेंट है. रेजोनेंस आवाज के रिलेटेड है, रोशनी के रिलेटेड नहीं. अ डिकेड आफ्टर द, क्या होगा, पता नहीं क्या हुआ. मेंबर्स ऑफ द ट्राइब बिगेन टू ड्रिफ्ट होम अगेन. अब जब ड्रिफ्ट होम अगेन है तो इसका मतलब पहले क्या हुए थे, 10 साल पहले जो है ना वो क्या हुए थे, जो दोबारा घर की तरफ आ गए, जाहिर है वो इकट्ठे हुए थे या बिखरे थे जो दोबारा घर आना पड़ा, तो वो जाहिर है क्या हो गए, वो पहले बिखरे हुए थे फिर इकट्ठे हो गए. होपिंग टू रीबिल्ड द कम्युनिटी दे हैड फ्लड ड्यूरिंग द वॉर, तो ये स्कैटरिंग हो जाएगा. फैंटेसी इमेजिनेटिव लैंड को कहते हैं. क्लस्टर, इकट्ठा होना, रिडक्शन, कमी आती. After performing a of cow, अब साइंटिस्ट ने डिटर्मन किया कि not mad disease, there was no need to notify the board of health. अब cow को क्या किया कि वो डिटर्मन किया उन्होंने कि इसे cow को कोई mad disease नहीं है. इसका मतलब है जाहिर है क्या किया उन्होंने, बातें की उसकी, cow से पूछा, cow को लंबा कर दिया, नहीं है. विवसेक्शन है, इस सेक्शन से आपको आइडिया हो जाएगा जिसमें हम क्या करते हैं, किसी चीज को कट करते हैं या उसको डिवाइड करते हैं, जैसे कट करना विवसेक्शन होगा. चार्ज विद मॉरल, मॉरल क्या है, चार्ज लगा दिया.
तो चार से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि उसने क्या किया, जिस पे चार्ज लगा वो कोई गलत काम किया या अच्छा किया, अच्छे चीज के लिए चार्ज तो नहीं लगता। जज वॉज कॉल्ड ऑफ द केस, जज को कॉल्ड ऑफ कर लिया गया केस, इसका मतलब है जब केस से निकाल दिया गया तो वो उसका जो ना वो क्या था, अच्छी बात के लिए उसको चार्ज किया गया या बुरी बात के लिए, या बुरी बात के लिए होगा। और फिर क्या होगा, जब बुरी बात के लिए है तो क्या होगा, इवन दाउ द डिनाइड ब्राइब, जो गो के क्या हुआ, डिनाई किया कि ब्राइब नहीं ली, क्या होगा, पेंडफ्स काउंसिल पीछे आ जाएगा, रेस्ट्रिक्शन जो है ना वो, या रेस्ट्रिक्शन या रेस्टिट्यूशन जो है मीनिंग नहीं बनता, रशिया रुक जाना, एंगर गुस्सा है, तो ब्रीच क्या होगा, किसी हद को पार कर देना, तो मॉरल ब्रीच होगा। आई न्यू फ्रॉम अहमद रिप्लाई, अहमद की रिप्लाई से मुझे पता चल गया, अब पता नहीं किस तरह का था, ग्रेसफुल, चीयरफुल, टॉकेटिव या मैनेसिंग, दैट शी वॉज ऑफेंडेड बाय माई क्वेश्चन या ही वॉज ऑफेंडेड बाय माई क्वेश्चन। अब जरा देखिएगा जिससे वो ऑफेंडेड हुआ वो कैसा रिप्लाई था, वो चीयरफुल तो नहीं हो सकता, ग्रेसफुल भी नहीं हो सकता, जैसे टॉकेटिव और मैनेसिंग में जो है ना वो करीब करीब है, टॉकेटिव जो है ना वो जरा जिस नाराज तो नहीं होता बंदा टॉकेटिव से, ये होगा कि अनप्लेजेंट होगा, गुस्सा नहीं करेगा, तो मैनेसिंग जो है वो डराने वाला, उसके लिए इस्तेमाल करें। द कल्ट लीडर्स, कल्ट है, लीडर है, ओबेड हिज, ओबेड हिम या हिज एवरी इंस्ट्रक्शन, ओबे कर रहे हैं अपने हर इंस्ट्रक्शन को, तो कैसा लीडर है, जाहिर ये कौन से लोग होते हैं जो हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, जाहिर कोई क्या होगा, कल्ट लीडर है। कल्ट से मुराद भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कल्ट क्या चीज है, यानी जो क्या हो, किसी सेक्शन या किसी ग्रुप का जो लीडर होता है। तो कौन है फ्लैटरर, उसको ओबे करते हैं, मुखालफ या एंटागोनिस्टिक ओबे करते हैं, जाहिर है ये एंटागोनिस्टिक और राइवल टोटली ऑपोजिट होगा, फ्लैटरर और प्रेडिसेसर में देख रहे हैं, प्रेडिसेसर जो उसके बाद आने वाला है, तो क्या होगा, उसके जानशीन तो प्रेडिसेसर होगा। वॉलपेपर है इनेस, क्या होगा, लिविंग रूम, लिविंग रूम में एक वॉलपेपर है, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड कर्टन्स एंड फर्नीचर दैट विल मैच, इसका मतलब है कि फर्नीचर ना ही कर्टन और उसके साथ मैच करते हैं, तो इसका मतलब डल होगा, इडियटिक होगा, पेन स्टेकिंग होगा, रेम्बलिंग होगा, जो टोटली डिफरेंट होगा, उसके लिए हम रेम्बलिंग के वर्ड इस्तेमाल करें। और उसके बाद होमर्स ओडेसी क्या था, ओडेसी वॉज नॉट ट्रांसलेटेड इनटू मैनी पीपल्स आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ प्राइम प्रिंटिंग प्रेस, बहुत सारे लोगों के क्या है ट्रांसलेट कर रहा है, तो इसका मतलब कि सूसी जुबान में है या मुख्तलिफ जुबानों में कर रहा है, मुख्तलिफ जुबानों में तो लोगों की क्या है मुख्तलिफ जुबानें हैं, लोगों की कास्ट है जिसमें ट्रांसलेट किया, ये भी नहीं हो सकता, गूम है नहीं हो सकता, नोमन क्लेचर तो वर्नैकुलर कहते हैं जो लोकल जुबान, डिस्क्राइब द एडवेंचर ऑफ नाइट है पता नहीं कौन सा, हु बिलीव्स दैट विंडमिल्स आर जायंट्स एंड बारबेंड क्या होगा दिलसिनी है इज अ प्रिंसेस। अब जो नाइट कैसा है जो जायंट को या विंड मिल को जायंट कह रहा है, और ये इसका मतलब हर चीज उसने देखी हुई है, और क्या होगा दिलसिनिया को बारमेड, दिलसिनिया को प्रिंसेस कहता है, तो सोशल होगा इसका कोई तो अलग नहीं है जो बिलीव करता है, फ्लुएंट होगा इसका कोई भी तो अलग नहीं है, इनडिसाइजिव होगा ये भी नहीं होगा, तो वे वर्ड जो हर जगह फिरता हो कह रहा उसने उसी को कह रहा है। इंडोलेंस गिव्स वेंट टू डिस्पोजिशन ऑफ मैन, इंडोलेंस क्या होगा कौन सी क्वालिटी है, एंथुजियास्टिक, एनर्जेटिक, फिल्थी, एंथुजियास्टिक एनर्जेटिक दोनों एक सिमिलर मीनिंग है तो ये हो नहीं सकते, फिल्थी गंदे को कहते हैं, स्टैटिक जो रुक जाना है, तो इंडोलेंस का मतलब क्या होता है रुका हुआ। काइड्स हैव एंथुजियाज्म लेड पाकिस्तान इंडिपेंडेंस, इंडो पाक टू इंडिपेंडेंस, अब कैसा एंथुजियाज्म था जिसने इंडिपेंडेंस मिल गई, जाहिर है सिंप्लीफाइड था, डेटेंट छुपा हुआ था, थ्रेटनिंग या खौफ दिलाने वाला था, ज़ारे टेडियस बहुत ज़्यादा सख्त के मीनिंग में आता है। इट वाज द सॉल्यूशन ऑफ ग्रामर टेस्ट व्हिच हैज बीन गिवन टू यू पीपल इन द दैट शेयर्ड इन व्हाट्सएप ग्रुप एंड इन द सिमिलर वे आई हैव रिकॉर्डेड द लेक्चर्स एज वेल विद द सेम टाइटल द ग्रामर सॉल्यूशन इंसिस्टिंग ऑन द डिफरेंट टेस्ट which have been given to you people time to time
on the WhatsApp groups and as a class test. And you may have the discussion of this. Just subscribe the channel so that you may get the notification of such sort of videos that will enhance this humble effort that will enhance your grammar skills, as well as it will also facilitate you people in MDCAT and other competitive exams. Have a nice time. See you. Allah Hafiz.